नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नगर के प्राचीन श्री राधा कृष्ण मंदिर प्रांगण में श्री राम महाराज बता दें कि महायज्ञ और भगवान परशुराम मंदिर में निर्माण और उनकी मूर्ति स्थापना को लेकर चल रहे मानस सम्मेलन में रामकथा में शामिल होने के लिए आज अयोध्या मणिराम दास छावनी ने महंत और साथ ही श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज सैकड़ों गाड़ियों में काफिले के साथ आज गुड़सराय पहुंचे थे, जहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि जल्द ही अयोध्या में रामलला के दर्शन होंगे। महंत नृत्य गोपाल दास महाराज कल भगवान परशुराम मंदिर के निर्माण और उनकी मूर्ति स्थापना का पूजन करेंगे और साथ ही शिव कुमार चौरसिया की पुण्य स्मृति में राधा कृष्ण मंदिर पर बनाए गए द्वार को भी पूजन करेंगे। मथुरा के सूरीर थाना क्षेत्र के अंतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे पर उस समय चीख पुकार मच गई जब दिल्ली के बिहार जा रही एक बस अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार पलट गई है और बस पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं बस में सवार 22 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायल की जानकारी लेते हुए सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और इस दौरान बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे सुरक्षा कर्मियों ने आनन फानन में एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, तो वहीं पुलिस द्वारा मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जी सर, ये जो भीषण सड़क हादसा हुआ है, किस तरह से हुआ और कितने लोगों की मौत है, कितने लोग घायल? एक बस जा रही थी एक्सप्रेस वे पर, मथुरा यमुना एक्सप्रेस वे पर, तो वहाँ क्या है ना, वो ड्राइवर बताते हैं, जो सवारियाँ बता रही थी, एडिक्ट कर रखा था उसने कुछ, और बहुत तेजी से रश चला, शराब के नशे में था, शराब के नशे में था, वो गाड़ी पलट गई, जिसमें से लगभग 2 से 3 डेथ बता रहे हैं। बाकी और जो यहाँ पे जिला अस्पताल में भी आए हैं। आगरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक कैंटर ने युवक को टक्कर मार दी, जिसमें युवक 400 मीटर की दूरी पर गिर गया है। वहीं युवक का इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है, जिससे हड़कंप समझ गया। वहीं पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सिद्धार्थनगर के बता दें कि डुमरियागंज तहसील क्षेत्र में बिना डिग्री फर्जी डॉक्टर इलाज करते हुए नजर आए हैं, जिसका फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बता दें कि नेशनल हॉस्पिटल डॉक्टर इम्तियाज और उनकी पत्नी के नाम पर बता दें कि रजिस्टर्ड है, लेकिन ये दोनों लखनऊ रहते हैं। ये अस्पताल उनके दोनों भाई चलाते हैं और ये दोनों भाई डॉक्टर नहीं है। वही बता दें कि डुमरियागंज क्षेत्र के इसी तरीके के बिना डिग्री फर्जी डॉक्टरों के इलाज करने से लोगों में मौतों का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र के फरीदपुर में थ्रेसर से सरसों की मड़ाई के दौरान बता दें कि ट्रैक्टर मालिक का हाथ थ्रेसर मशीन में जाने से वे गंभीर रूप से घायल हो गया। घटनास्थल पर मौजूद घायल युवक के भाई और उसके जिला अस्पताल लेकर पहुंचे और जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक भाड़े पर बता दें कि फसल काटने का काम करता था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि इटावा जिले के हरोली निवासी राजेश औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के फरीदपुर गांव में एक किसान के खेत में शाम को सरसों की मड़ाई कर रहा था। अचानक से उसका हाथ मशीन में चला गया और इस दौरान शोर मचाने पर वहीं मौजूद राजेश ने के छोटे भाई ने जल्द से मशीन को बंद कर लिया, लेकिन तब तक राजेश बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। गंभीर जख्मी बता दें कि उसको राजेश को लोगों ने जिला अस्पताल औरैया इलाज के लिए भिजवाया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में हड़कंप समझ गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। योगी सरकार निरंतर दावे करती रही है कि हमारी सरकार में किसी भी तरह की कोई गरीब की जमीन कोई भूमाफिया कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन यूपी के संत कबीर नगर जिले में भूमाफियाओं का तांडव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर पूर्व विधायक और सपा नेता दिग्विजय नारायण उपजय चौबे के गुर्गों पर गरीबों की जमीन हथियाने का आरोप लगाया गया है। परेशान पीड़ित लोगों ने शहर के कोतवाली खलीलाबाद में थाना प्रभारी और उसके एसडीएम
को प्रार्थना पत्र देकर पूर्व विधायक के गुर्गों पर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही बता दें कि पूर्व विधायक के गुंडों पर कार्रवाई करने की लगातार मांग की जा रही है और इस दौरान खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के मगहार चौकी के निकट भूमि कब्जा को लेकर रविवार को कुछ लोगों द्वारा पूर्व विधायक और सपा नेता के लोगों पर जमीन कब्जा करने के आरोप लगाते हुए कोतवाली पुलिस को तहरीर भी दी गई है। इस मामले में प्रमुखता से देखते हुए कोतवाली पुलिस और राजस्व विभाग की टीम जांच में जुटी हुई है। अब देखिए, कोई अगर अपनी तहरीर देता है तो पुलिस जांच करके उसमें जो भी घटना का जिक्र करता है उसकी जांच करके और उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। रहा जहां तक हमारे राजस्व का सवाल है, तो हम चूंकि अभिलेख इकट्ठा करके और सब लोगों के अभिलेख लेके एक कंपेरेटिव बनाएंगे कि उसमें क्या तथ्य निकल के आ रहा है, उसके आधार पर फिर हम उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजेंगे, जो भी उस समय निकलेगा उसके अनुसार कार्रवाई। किसान है, अपनी जमीन के लिए भू माफिया लोग उसको जब अंदर ही अंदर उसको बेच दिए हैं और आज जब हम अपना कब्जा लेने जा रहे हैं तो कोई ना कोई आदमी निकल कर आ रहा है कि ये बिक चुकी है, ये हमने खरीदी है। लखनऊ के प्रयागराज मार्ग पर हुआ सड़क हादसा, दो बाइक के बीच हुई भिड़ंत हुई है जहां पर बाइक सवार तीन लोग घायल हो गए हैं। पुलिस की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए CHC लाया गया था जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मामला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के ऊंचाहार सलोन मार्ग पर मणिरामपुर गाँव के पास क्षेत्र में पूरे तुराबी मजवे मोखरा गांव निवासी राहुल यादव जो कि 26 वर्ष के हैं और साथ ही बता दें कि ऋतिक जो कि 22 वर्ष के हैं और रविवार को शाम ऊंचाहार की तरफ से घर जा रहे थे, तभी मणिरामपुर गांव के पास सामने ही आ रहे बाइक सवार रजनीश कुमार जो कि 18 वर्ष के हैं उनकी बाइक की भिड़ंत हो गई। घटना में तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को CHC भिजवाया, प्राथमिक उपचार कराया गया सभी घायलों को। इस दौरान बता दें कि जिसकी हालत काफी गंभीर है उसे दूसरे अस्पताल भी रेफर किया गया है। सर, सड़क दुर्घटना में तीन लोग घायल अवस्था में आए थे, क्या मामला था? अभी हाल फिलहाल में भी आधा एक घंटे पहले एक सड़क दुर्घटना हुई है, बाइक से तीन लड़के एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक लड़का है राहुल नाम से, 28 साल उम्र है, ये मोखरा एक जगह है वहाँ से। इस बच्चे का क्या कहते हैं, हाथ और पैर दोनों क्रश इंजरी में है, इसको रायबरेली रेफर किया मेडिसिनल हॉस्पिटल में। एक बच्चा है ऋतिक, ये 28 साल का है, ये भी मोखरा का, ये भी इसको नाक और कान से खून भी आ रहा है और कोमा में है ये, तो इसको भी हमने रायबरेली के लिए रेफर किया। ये बच्चे को हो सकता है मेडिकल कॉलेज न्यूरो सर्जरी के लिए जाना पड़े। और एक बच्चा है रजनीश। और रायबरेली का ये पूरा मामला जहां पर दो बाइक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई है, तीन लोग घायल बताए जा रहे हैं और लगातार इस मामले की पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। साथ ही बता दें कि लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर हुआ ये सड़क हादसा हुआ है जहां पर दो बाइक आपस में भिड़ंत हो गई है, बाइक में तीन लोग सवार थे, तीनों घायल बताए जा रहे हैं, तीनों का इलाज लगातार CHC में करवाया जा रहा है, प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को जिला अस्पताल भी रेफर किया गया है। और यह पूरा मामला जो है ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के ऊंचाहार सलोन मार्ग पर मणिरामपुर गांव के पास का बताया जा रहा है और साथ ही घायलों का इलाज लगातार जारी है। प्रशासन इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। पुलिस की मानवता उस वक्त देखने को मिली जब नेशनल हाईवे 44 पर मसौरा के निकट पर एक व्यक्ति सड़क किनारे अधमरी अवस्था में रात भर पड़ा हुआ था। सुबह में गश्त पर निकली पुलिस ने उसे देख तत्काल 108 एम्बुलेंस बुलाकर जिला चिकित्सालय भेज दिया और उस व्यक्ति की खोजबीन में जुट गए। वही बता दें कि व्यक्ति रात में ही लगभग 9 बजे अपनी मोटरसाइकिल का अनियंत्रित खो बैठा और सड़क किनारे पुलिया से टकरा गया। रात भर घायल अवस्था में पड़ा रहा और पुलिस ने मानवता दिखाते हुए उसे तत्काल जिला चिकित्सालय उपचार के लिए भेज दिया है और उसकी खोजबीन में भी लग गई है। बड़ी मशक्कत के बाद तकरीबन सुबह 9 बजे उसका नाम पता चला है और साथ ही परिजनों को इस पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है। साथ ही बता दें कि ये पूरा मामला जो है, व्यक्ति का जो नाम है वो पवन पटेल जो कि पुत्र हैं राजेश पटेल, जिनकी उम्र 30 वर्ष बताई जा रही है और इस मामले की जानकारी परिजनों को देने के बाद से लगातार
घायल का इलाज जो है वो चल रहा है और साथ ही पुलिस इस मामले पर नजर बनाए हुए नजर आ रही है। झांसी के महावीरन मोहल्ले स्थित मिट्टी की खदान में एक अंधेड़ उम्र के रेलवे कर्मचारी का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव की शनाख्त कराई है और मृतक की शनाख्त मोहल्ले वालों ने कर दी। इस दौरान घटने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसकी सूचना पाकर प्रेमनगर पुलिस मौके पर पहुंची थी। शव को बाहर निकाला गया था और साथ ही शनाख्त करवाया गया था। और साथ ही बता दें कि इस दौरान पता चला कि जो व्यक्ति है वो रेलवे के कर्मचारी था, उसका नाम महेश साहू था। और सूचना पाकर मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया है कि महेश मानसिक रूप से काफ़ी समय से तनाव में चल रहा था। पिछले 21 फरवरी को घर से निकला था, उसके बाद से वापस नहीं आया। काफ़ी तलाश के बाद जब महेश नहीं मिला तो उसकी गुमशुदगी प्रेमनगर थाने में दर्ज कराई गई। वहाँ पर कैसे पहुंचा और उसकी मौत कैसे हुई, इस बारे में अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। अब खबर गाजीपुर से है, जहां पर भावरकोल थाने में पुलिस ने गाजीपुर बिहार बॉर्डर से रसूलपुर गांव के पास ट्रक समेत 18 गौवंश के साथ दो तस्कर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने बता दें कि इस दौरान चार तस्कर जो है वे चकमा देकर भागने में सफल रहे हैं। दरअसल एसपी के निर्देश पर अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जिले में सभी थाना इलाके में लगातार वाहन चेकिंग किया जा रहा है और ये वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। ऐसे में आज सुबह मुखबिर की सूचना पर भंवरकोल थाने में पुलिस ने गौवध के लिए 18 पशुओं को ट्रक में ठूस कर ले जा रहे 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है और इस दौरान 18 गौवंश को बरामद किया गया है, जबकि 4 तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए थे। मामले का खुलासा एसपी ओमवार सिंह ने किया है और साथ ही पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस दौरान इस मामले का पूरा खुलासा किया गया। साथ ही बताया गया कि इनमें अभी और पशु तस्कर की तलाश की जा रही है, उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कानपुर के कर्नलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ईदगाह कॉलोनी में रहने वाले युवक को पड़ोसियों ने ईंट और लोहे की रॉड से पीट पीट कर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही मोहल्ले में भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। पड़ोसियों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटना की जाँच करके साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। वहीं हत्या के बाद मोहल्ले में तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। तमाम पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि हत्या के आरोप में आए मोहल्ले के लोगों से मारपीट करते थे और साथ ही 2 दिन पहले ही आरोपियों की मृतक के परिवार से मारपीट हुई थी। मेरा नाम शीतल है। मेरे चाचा घर में थे तो उनको राम कुमार और अशोक, अभिषेक और दुर्गा और रितेश, इन सब ने मिलकर मेरे चाचा को घर से बाहर निकाल के मारा है। हत्या उनके ऊपर करने की कोशिश करी लेकिन उनकी डेथ हो गई है। आज दिनांक 26 फरवरी 2023 को थाना कनकगंज क्षेत्र के ईदगाह कॉलोनी में दो पक्षों के बीच में मारपीट में एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु हो गई है। इसमें से एक पक्ष कोरी है और एक पक्ष श्रीवास्तव है और जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो श्रीवास्तव है। और कानपुर का ये पूरा मामला जहां दिन दहाड़े युवक की हत्या की गई है, प्रशासन लगातार आरोपी के तलाश में जुटी हुई है। और साथ ही बता दें कि कानपुर के कर्नलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ईदगाह कॉलोनी का ये पूरा मामला है जहां युवक की पड़ोसियों ने ईंट और लोहे की रॉड से पीट पीट कर हत्या कर दी है। घटना की जानकारी मिलते ही मोहल्ले में भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं। तनाव की स्थिति एक तरह से मोहल्ले में देखने को मिल रही है। पुलिस भी मौके पर पहुंची है और फॉरेंसिक टीम घटना पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने में लगातार जुटी हुई है। इस हत्या के बाद से मोहल्ले में तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है, साथ ही पुलिस की भारी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। और आपको बता दें कि हत्या के आरोपी आए दिन मोहल्ले में लोगों से मारपीट करता रहता था। 2 दिन पहले ही आरोपियों ने मृतक के परिवार से मारपीट की है। आरोप है कि कर्नलगंज थाने की पुलिस ने बगैर मारपीट की वजह जाने ही सिर्फ दयाराम की चोट देखकर एक तरफा करते हुए मृतक
भोलू के भाई और भतीजे को जेल भेज दिया था। वहीं मारपीट से झल्लाए दयाराम ने मौका पाते ही भालू को घर से खींचकर बीच मोहल्ले में लोहे के रॉड से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। प्रशासन अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।